અમદાવાદના ઘાટલોડિયા ખાતે મોટો ગુજરાત ફેશન શોનું આયોજન. યુનિક ફેશન લુક દ્વારા અમદાવાદના ઘાટલોડિયા ખાતે ગુજરાતનો સૌથી મોટો શો ગુજરાત ફેશન શો 90 પાર્ટિસિપન્ટમાં યોજાયો હતો, જેના ઓર્ગેનાઇઝર ગોપાલ શર્મા રહ્યા હતા. શોમાં સમસ્ત ગુજરાતી તમામ ભાગ લેનારાઓએ આ ગ્રાન્ડ ફિનાલેમાં ભાગ લીધો હતો. આ શોમાં જજ તરીકે ડૉક્ટર અભિચંદાની, જેઓએ ફિનાલેમાં મિસ ફેમિનમાં પણ જજિંગ કરેલ છે. બીજા જજ જે દીપિકા પાટીલ, તે ઇન્ટરનેશનલ મોડલ તરીકે રહી ચૂક્યા છે, અને નિવિશા ગુપ્તા જે ફિટનેસ મોડલ અને ફેશન મોડલ છે. આ ત્રણેય દ્વારા ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં પ્રોત્સાહન અને આગળ વધવાની તક આપેલ છે. मेरा नाम ज्योति दीपक है और मैं राजकोट से आई हूँ. मैंने यहाँ यूनिक फैशन लुक में मिसेस कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया है, जिसका पहले ऑनलाइन ऑडिशन हुआ था, राजकोट में सेमीफिनाले हुआ था और अब ये ग्रैंड फिनाले है अहमदाबाद में. जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं फ्रेशर हूँ, लेकिन मुझे यहाँ स्टेज पे आके ऐसा लग नहीं रहा है कि अब मैं फ्रेशर रही हूँ, क्योंकि इन लोगों ने राजकोट में भी जब सेमीफिनाले था तब भी इन लोगों ने इतने अच्छे से हम लोगों को ट्रेन किया था और पूरी नॉलेज दी थी फैशन के लिए, वॉक के लिए. और यहाँ पे आके इससे पहले 5 डेज का ऑनलाइन ग्रूमिंग सेशन था, यहाँ पे आके हम लोगों को 2 दिन तक पूरी ट्रेनिंग दी है, मेकअप और सब हर तरह से हम लोगों को ट्रेनिंग दी गई, किस तरह से वॉक करना है, किस तरह से सीक्वेंस करना है, कैसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए जज के सामने. तो इन लोगों ने हमें हर चीज में अब हमें ट्रेन कर दिया है. तो जब मैं फ्रेशर हूँ, मैं वैसे वेस्टर्न रेलवे की एम्प्लॉई हूँ, गवर्नमेंट जॉब है मेरी, लेकिन मैं मॉडलिंग में आगे जाना चाहती हूँ. तो इन लोगों ने मुझे बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है. जब मैं यहाँ तक आ सकती हूँ तो आप लोग भी सब आ सकते हैं. सबको जरूर यहाँ पे आना चाहिए. थैंक यू सो मच. डॉक्टर सागर अभिचंदानी है, मैं एक डेंटिस्ट हूँ, मुंबई में प्रैक्टिस करता हूँ और गोपाल जी को मैं ऑलमोस्ट 2 साल से जानता हूँ. उनके जो इवेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे रहते हैं, बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है गुजरात का, बहुत ही अच्छा एक फैशन वीक रहता है इनका और काफ़ी लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी कलाकारी दिखाने का, एक रैंप पे चलने का, अपना टैलेंट दिखाने का. और जो ये कर रहे हैं सभी एज कैटेगरीज के लिए, भले वो टीन्स हैं, भले वो मिस हैं, भले वो मिसेज हैं, भले वो मिस्टर हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक चांस मिल रहा है आगे जाने का, दिखाने का कि उनमें कैपेबिलिटीज कितने हैं. और बहुत ही फेयर कंपटीशन होता है. जो ऑडिशंस रहते हैं वो भी काफ़ी सिटीज़ में रहते हैं, वहाँ से फाइनलिस्ट सिलेक्ट होकर यहाँ पे ग्रैंड फिनाले के लिए आते हैं. और मैं भी यहाँ पे जूरी रह चुका हूँ पहले, मुझे पता है कि क्या एक्सपेक्टेड है, कैसा रहता है और बहुत ही अच्छा करते हैं. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस 6वें सीज़न के लिए और कॉन्ग्रेचुलेशंस आगे आने वाले सीजन्स के लिए, जो और भी बड़ा होगा, बेहतर होगा और भी अच्छे लेवल पे जाएंगे. थैंक यू. गोपाल शर्मा है और मैं यूनिक फैशन लुक का ऑर्गेनाइज़र हूँ और आज हमने गुजरात का सबसे बड़ा शो ऑर्गेनाइज किया है, उसका सीज़न 6 है और हमने 5 सीज़न कंप्लीट कर चुके हैं. और हमने अचीवमेंट्स में ये किया है कि 140 फिनालिस्ट, जो आज तक पूरे गुजरात में कोई भी फैशन शो वाला नहीं कर पाया, वो आज हमारे फैशन शो की टीम ने और हमारे पार्टिसिपेट ने किया है. आज जो पार्टिसिपेट आए हुए हैं वो ऑल ओवर गुजरात से आए हैं, गांधीधाम, राजकोट, सूरत, अमरेली और अदर सिटी से. तो ये सब चीज़ें हैं और हम लोग यहाँ पे उनको एक वो प्लेटफॉर्म देते हैं. प्लेटफॉर्म मीन्स ऐसा कि आज हमारे यहाँ पे वो आ रहे हैं तो कुछ जो उनकी कमियाँ हैं, हमारे जजेस उनको कमियाँ सिखाते हैं और हम लोग उनको आगे प्रोत्साहित करते हैं, काम देते हैं, जैसे कि एल्बम सॉन्ग्स हुआ, मूवीज़ हुआ. तो ये एक प्लेटफॉर्म है आगे जाने का. आज आप देख रहे हो कि मॉडलिंग इंडस्ट्री में काफ़ी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, बट मुंबई में आप देख रहे होंगे कि काफ़ी लाखों मॉडल्स ऐसे भी हैं जो दो तीन साल काम कर रहे हैं पर उनको कुछ भी अचीवमेंट्स नहीं है, आज भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं. तो हम लोग का एक उद्देश्य है यहाँ पे कि हम लोग उन लोग को एक अचीवमेंट्स और एक उनको काम दें. और सभी मीडिया को धन्यवाद करता हूँ कि आज हमारे शो में आपने आके एक हमको सपोर्ट किया और सारे जजेस को भी मैं थैंक्स करता हूँ कि आज इन्होंने सपोर्ट किया. थैंक यू. निविशा गुप्ता,
I am Miss Next Top Model Gujarat 2018. I've also been Miss Gujarat 2019 and also have been a participant in Miss Central Gujarat as well. So here I am the jury member here in Unique Fashion Show. So about the show, I would say I have taken many audition rounds being a jury, and what I saw is there is quite improvement in each round that I have taken till now. And mostly what I would say is the grooming session they are given, especially what I noticed is from the audition round and to the final round, the contestants are really getting so much groomed in a very good way. I'm really happy for the contestants that they're getting such kind of stage that they can showcase their talent in all the direction, let it be modeling or acting, like in any way they could recognize their talent and work on them. So I'm really very proud of being the part of this show as a jury. Thank you. Thank you. Fantastic, fabulous, and